चलो ना बेबी, बेबी चलो ना, बेबी चलो ना। नहीं जाना मुझे स्कूल में, नहीं जाना। अरे वो गर्ल स्कूल है, मुझे तुम्हारे स्कूल में जाना है। अरे बेबी मैं अपने स्कूल में कैसे लेके जाऊंगा, मेरा भी तो बॉय स्कूल है। ये भी है और मेरा गर्ल स्कूल। मम्मी ना बहुत शातिर है, मम्मी ने जानबूझ के ना मेरा गर्ल स्कूल में एडमिशन करवाया ताकि मैं लड़कों से अखियां ना लड़ा पाऊं। चलो मम्मी। कोई बात नहीं बेबी, भले ही हमारा स्कूल अलग अलग हो पर दीवार तो चिपकी हुई है ना। मैं लंच में तुम्हारे पास मिलने के लिए आ जाऊंगा। पक्का। बाय बाय दीदी। हे गाइस, स्वागत है आपका गर्ल्स स्कूल में। अब देखना मैं कैसे इन लड़कियों की बैंड बजाती हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। न्यू एडमिशन? यस मैम। तुम्हारा स्वागत है हमारे स्कूल में। जाओ अपनी क्लास में बैठ जाओ। ओके मैम। क्या बात है, आपकी टीचर तो बड़े अच्छे से बात करती है। अच्छी बात है मेरा यहाँ एडमिशन हो गया, अब तो मजा आएगा स्कूल में। ये चिमगाटी, डेस्क पे तेरा नाम लिखा हुआ है जो तू आगे बैठ गई है। नाम तो तेरा भी नहीं लिखा, तुझे क्यों बैठना इधर? बहुत बोलना और है, बताओ अभी। चुपचाप जाके ना पीछे बैठ जा। ओए माँ। सोचना भी मत, पीछे बैठ जा। पीछे ही बैठ रही थी। एटीट्यूड है लड़कियों में, समझती है मैं आपको। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। आप लोगों का न्यू एडमिशन है ना, आपका स्वागत है हमारे स्कूल में। बाकी की लड़कियां अभी तक नहीं आई हैं। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगी, तब तक हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? आप लोग अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकाल लो, हम इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे। मैम मैम, मे आई गो टू वॉशरूम? पर अभी तो तुम बाहर से आई हो, अभी फिर वॉशरूम जाना है? थोड़ी हालत खराब है समझो। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी वापस आना। चलो तुम दोनों अपनी अपनी नोटबुक निकालो। चोर की आ रही है। अरे खोलो जल्दी। अरे यार खोलो गेट जल्दी यार, बहुत चोर की आ रही है। कौन बैठ गया अंदर? ये अंदर से गाने की आवाज कैसे आ रही है? खोलो जल्दी यार गेट, खोलो। शिवानी और चेतना, तुम दोनों जाके देखो वो कहाँ पर है और उसको जल्दी वापस लेके आओ, ठीक है? ओके मैम। अरे यार ये बच्चे कहाँ रह गए? पूरी क्लास में कोई भी नहीं है, किसको पढ़ाऊं मैं? अबे यार कहाँ रह गए ये? अदिति, अदिति, अदिति। अबे यार शिवानी, यहाँ से तो सच में आवाज आ रही है और ये म्यूजिक रूम तो कब से बंद था? चल अंदर चल के देखते हैं। हाँ चलते हैं। अरे कहाँ पे है ये? अरे तो अदिति है, लेकिन ये ऐसे क्यों डांस कर रही है? अरे अदिति रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा अदिति। अरे यार ये रुक ही नहीं रही है। मुझे लगता है इसके अंदर ना वही थर्ड फ्लोर वाला भूत आ गया है, तभी ये म्यूजिक रूम बंद किया हुआ था यार। रुको रुको रुको, मुझे कोई भूत नहीं आया यार, मैं तुम दोनों के साथ प्रैंक कर रही थी। देख रही है तू, प्रेशर ये है और हमारे साथ प्रैंक कर रही है। चल तुझे नीचे मैम बुला रही है। ठीक है चलो आगे बच्चों, चलो आके अंदर बैठ जाओ। बच्चों पेज नंबर 22 निकाल लो, हम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी चेतना तुझे पता है मैंने सुना है कि इस स्कूल में ना भूत है, थर्ड फ्लोर पर रहता है। अरे शिवानी ये सारी ना मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, भूत भूत कुछ भी नहीं होता, झूठी बातें हैं ये। बच्चों आपने निकाला नहीं पेज नंबर 22? ये अरे यार लंच भी हो गया, मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया ही नहीं,
कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ा दूंगी। हेलो शिवानी। हेलो चेतना। वो कामनी मैम ने मुझे भेजा था ये पूछने के लिए कि अब फंक्शन आ रहा है, तुम लोग डांस में पार्टिसिपेट करोगे? हाँ क्यों नहीं करना, चल चल नाम लिख मेरा, तो बहुत अच्छा डांस आता है, देखेगी? दिखाओ दिखाओ। ये देख। बस कर चेतना, अगर ऐसा डांस स्टेज पे करेगी ना तो अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवा देगी। चुप कर यार, बहुत अच्छा डांस करती हूँ मैं, चिढ़ मत मुझसे। लिख लिख तू मेरा नाम लिख। तो लिखो तुम्हारा भी नाम। हाँ मेरा भी लिख दे। लिख दिया। अच्छा कामनी मैम ने भेजा था, चलो डांस रूम में चलो, वो डांस दिखाएंगी तुम्हें थोड़ी देर में, ठीक है? जब मैं बुलाऊंगी तब आ जाना। ठीक है ठीक है, बाय। चल हम अपना डांस करते हैं। अबे ये कौन है? अरे ये तो अदिति है, इसके ऊपर भूत आ गया क्या, वो थर्ड फ्लोर वाला। मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते गाना है। अच्छा चलो कामनी मैम ने बुलाया था तुम्हें म्यूजिक रूम में, डांस सिखाना है ना फंक्शन के लिए, आओ। ठीक है चलते हैं। अंदर आओ, अंदर आओ दोनों, अंदर आओ। अबे गेट कैसे बंद हो गया? ऑटोमेटिक होगा। आ गए वो लोग। जी मालिक। आ गए बच्चों। शिवानी ये तो हमारी इंग्लिश वाली टीचर है ना, इसको क्या हो गया, ये भूत कैसे बन गई? यार चेतना मुझे भी ऐसा लगता है इस गर्ल्स स्कूल में जो थर्ड फ्लोर वाली चुड़ैल है ना वो यही है। हाँ यार मुझे भी यही लग रहा है, चल भागते हैं यहाँ से। भागते भागते। रुको। नाचो। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं। अरे यार हम ऐसे नाच क्यों रहे हैं? लगता है जब तक गाना बजता रहेगा ना हम ऐसे ही नाचते रहेंगे। जम जम जम। नाचो मजा आ रहा है। अरे रोको हम थक गए हैं। भाग। तुम कौन हो? चुड़ैल चुड़ैल, तुमने मेरे दोस्तों को कांच में डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरा जादू इससे खत्म हो रहा है, मुझे इसको फिर से काबू में करना होगा। चीक चीक बूम बूम। ये लो पी जाओ इसे। क्या प्यास भी लग रही थी। थैंक यू। क्या हुक्म है मेरे आका? चम 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 चम। मुझे 100 बच्चियां चाहिए, आज अमावस्या की रात है, 100 सालों में सिर्फ एक बार आती है और मुझे आज हवन करना है। मुझे 100 लड़कियों की बलि चाहिए, कहीं से भी जाके 100 लड़कियां लेके आओ, जाओ। जी मेरे आका। छम छम क्या सोचती है कि मैंने पानी पी लिया होगा,
कि जादू वाला? बिल्कुल नहीं, अब मुझे वो अपने कब्जे में नहीं कर सकती। अदिति भाग, नहीं तो बाकी लड़कियों के साथ ये तुझे भी मार डालेगी। भाग भाग, कैसे मदद करूं? एक काम करती हूँ, पुलिस को भेज देती हूँ, बोल दूंगी यहाँ पे चुड़ैल है, आके पकड़ लो। पर पुलिस लोग तो यकीन नहीं करते भूत प्रेत में, यहाँ के प्रिंसिपल को बोल दूंगी, वो कर लेगी उनकी मदद। ये सही है, पर प्रिंसिपल भी तो नहीं है स्कूल का, क्या करूं? घर में जाए, मेरे कौन से दोस्त हैं। कोई भी बच्चा भी नहीं है, मैं भी भाग ही जाती हूँ। नहीं यार, मैं भाग कैसे सकती हूँ? बेशक मेरे दोस्त नहीं है, नक्सली है, घमंडी है, बंदरिया है, पर मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। पर कैसे करूँ यार? अरे मैं तो इतनी ताकत भी नहीं कि उस चुड़ैल से लड़ लूँ। एक मिनट, का गिटार, का गिटार ही तो उसकी ताकत है, तो उसके गिटार को तोड़ दूंगी तो शायद उसकी शक्तियाँ भी चली जाए। वाह दीदी, तू तो बड़ी इंटेलिजेंट है। आज मैं हवन करूंगी और सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। बताओ तुम दोनों में से किसकी बलि दूं पहले? पहले चेतना को खा लो। हाँ, क्योंकि चेतना ना बहुत बड़ी डायन है, 10-10 बच्चों का अकेले लंच चुरा चुरा के खाती है। इसको खा लो, इसको। हाँ अच्छा, दीवार पे चलती हुई छिपकली चिमकाडन कहीं की मेरे बंदे पे लाइन मारती है, सारी लड़कियों के बंदे पे लाइन मारती है, तू है सबसे बड़ी डायन। छम, आप ना इसको खा लो। नहीं इसको खा लो, इसको, इसको खा लो। नहीं नहीं, पहले इसको खाओ, इसको खाओ, इसको, इसको खाओ, इसको खाओ। ये दोनों तो लड़ने लग गए, चुप करो तुम दोनों वरना इसी वक्त तुम दोनों को खा जाऊंगी। खाओ। ओए मां, चम चम चम, तुम खाली हाथ आ गई, कहाँ है बच्चियाँ? बच्चियाँ सारी बच्चियाँ तो भाग गई चम चम जी, वो भी इन दोनों लड़कियों की वजह से। इतनी जोर से जो चिल्लाई भूत भूत भूत, सारी लड़कियाँ डर के मारे भाग गई। बहुत हंसी आ रही है तुम दोनों को, अब मैं तुम दोनों की बलि दूंगी। अरे नहीं नहीं चम चम जी, अरे अभी इनकी बलि मत दो, आप पहले हवन की तैयारी तो करो, फिर वहीं पे मारना ना, क्यों वेस्ट कर रहे हो उनकी जान, वैसे भी लड़कियां कम है हम पे, अब हवन की शुरुआत तो करो। ठीक है फिर, सबसे पहले मैं तुम दोनों को खाऊंगी। अरे चम चम जी, ये आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? हाँ, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है ना, आज यज्ञ है और वो यज्ञ बहुत शक्तिशाली है, जिसके लिए मुझे खुद बहुत ताकतवर बनना पड़ेगा, इसलिए मैं कसरत कर रही हूँ। अबे ये क्या है? तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही है ना, तोड़ो तुम्हारे दांत। नहीं 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 नहीं, चलो छोड़ो, वैसे भी तुम दोनों को तो मरना है, चलो यज्ञ शुरू करते हैं। चलो यज्ञ की शुरुआत करते हैं। तुम तीनों अपने बाल खोल लो। क्यों? जितना बोला है उतना करो, समझ में नहीं आया? खोलो बाल। जी मालिक, खोलो। चम चम चम, कुछ करना यार, इसको देख कैसे मूर्ति बनी बैठी है, इसको पता नहीं है क्या हम मरने वाले हैं? अरे तुझे पता नहीं है, ये छम छम चुड़ैल के कब्जे में आ गई है, वश में कर लिया उसने, सुनेगी भी नहीं हमारी, कुछ करना यार तू ही। शिट यार, मैं ही कुछ करती हूँ। अदिति तुम
भूल गई क्या? हम तेरे बेस्ट फ्रेंड है, हम साथ में घूमा करते थे, लड़के छेड़ा करते थे। प्यार होश में आया, तू सब कैसे भूल सकती है? अदिति प्लीज हमें बचा ले, हम तेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, और हम लंच भी साथ में करते हैं, साथ में खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। प्लीज अदिति बचा लेना यार। अच्छा तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अपनी शक्ल देखे आईने में। मेरा स्कूल का पहला दिन था और मेरा पहला दिन इतना गंदा कर दिया, मुझे तो अपने बेंच पे भी नहीं बिठाया। और अब मुसीबत आई है, चुड़ैल सामने है और मैं ही हूँ मदद के लिए, तब मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई। बड़े तेज हो तुम दोनों। इसका मतलब ये कि तू होश में थी? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है ये जो छमछम ने मुझे जादुई पानी दिया था वो मैं पी लूंगी? बिल्कुल नहीं, मैंने तो वो पिया ही नहीं था, वो मैंने फेंक दिया था, मुंह में दबा रखा था, साइड से पिचकारी मारी, निकाल दिया। अच्छा तो अब जान तो बचा ले। देख तू ना प्लीज आज बचा ले, मैं ना मैं रोज लंच में तेरे हाथ पैर दबाऊंगी, वो भी अच्छे से। अदिति प्लीज हमें बचा ले, मैं ना तेरे लिए ना अपने घर से खाना लेके आया करूंगी। अरे ठीक है अब इतना मक्खन मत मारो, वैसे भी मैं तुम दोनों की मदद करने ही आई थी, तुम दोनों मुझे ये चीज ऑफर भी नहीं करते ना तब भी मैं तुम्हारी मदद करती। सच में? ओए मां धीरे बोलो, अगर वो छमछम होश में आ गई ना तो हम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। हाँ हाँ लेकिन बता तो सही बचाएगी कैसे? स्वाहा इंद्री चला। हाँ ये गिटार देख रहे हो, इससे इससे बचेंगे हम, इस गिटार में इसकी सारी शक्ति है, बस हमने इस गिटार को तोड़ दिया तो हम यहाँ से बच के भाग सकते हैं, जैसे इसका ध्यान कहीं और जाएगा हम इसको तोड़ देंगे, समझ गए? ठीक है हम मेरे नृत्य का समय हो गया, अब मैं नृत्य करूंगी। मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते चलो। नहीं नहीं नहीं। हे गाइस कैसे आप सब, कैसी लगी ये वीडियो? गर्ल्स चुड़ैल स्कूल में आ गई, चुड़ैल ओह माय गॉड बहुत खतरनाक चुड़ैल आ गई हमारे स्कूल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, V3 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूले, और वीडियो को बहुत सारा प्यार दे, जैसे आपने अदिति शर्मा की वीडियो को बहुत सारा प्यार दे, इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दे, और वीडियो को फैला दे, आग लगा दे। मिलते हैं जल्दी प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आओ आओ।